आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला पिज्जा, जिसके लिए हमने लिया है ये बारीक कटे प्याज मैंने ले लिए हैं, और ये बारीक कटे टमाटर लिए। प्याज मैंने 2 लिए और टमाटर मैंने 4 लिए हैं। और हमें चाहिए मसाला पिज्जा बनाने के लिए साथ में मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गम धनिया पाउडर, नमक, ब्लैक पेपर, गरम मसाला। ठीक है, और हमने ये पिज्जा का डो ले लिया, रेडीमेड मैंने लिया हुआ है पिज्जा का डो। अब हम स्टार्ट करेंगे। मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल ऑयल लिया हुआ है, ये गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, पिज्जा का जो सॉस है वो हम मसाला पिज्जा बना रहे हैं, तो हम पिज्जा का सॉस इस तरह से बनाएंगे मसालों का। प्याज को हमें लाइटली ब्राउन करना है, बहुत ब्राउन नहीं करना है। वैसे तो जो पिज्जा का पिज्जा सॉस होता है रेडीमेड हमें मिल जाता है, लेकिन आज हम मसाला पिज्जा बना रहे हैं। हमें बहुत ज्यादा प्याज को ब्राउन नहीं करना है। प्याज हल्के पिंक होने शुरू हो गए हैं। प्याज ये पिंक होना शुरू हो चुका है। हमें प्याज को लगातार चलाना है ताकि प्याज वो लगे ना पैन से। प्याज ब्राउन होने शुरू हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने टमाटर काट के रखे हुए टमाटर। टमाटर के साथ हमें मसाले भी डाल देने हैं। ये हमने डाल दिया गरम मसाला। ब्लैक पेपर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधी चम्मच, कोरिएंडर पाउडर 1 चम्मच, रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, और डालेंगे हम नमक एज पर टेस्ट। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। टमाटर मसाला पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए और उसको एकदम सॉस जैसा लगे, इस तरह से हमें मसालों को पहले धीमी आंच पे खूब अच्छे से भूनना है। मसाला भुन रहा है, अब इसके लिए हमें थोड़ा सा सॉस टाइप का बनाना है, तो हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। ज्यादा नहीं ऐड करना है हमें पानी, आधी कप से भी कम। अच्छे से मिक्स कर देना है।
इस तरह से टमाटर को हमें मिला देना है। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है टमाटर भी, प्याज जो हमने डाला हुआ था, मसाला बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमें इन्हें भूनना है। हल्का सा पानी हम और ऐड करेंगे क्योंकि अभी मसाले को पकना है थोड़ा सा। मिक्स हो चुका, अब हम इसे पकाएंगे थोड़ी देर तक। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब हम बंद कर देंगे। बहुत ही अच्छे से ये तैयार हुआ है एकदम, तो बिल्कुल सॉस के जैसा। और भी हम इसे मिक्स कर देंगे, हमारा सॉस बिल्कुल रेडी है। हमें एक साइड रख लेना है। और स्टफिंग के लिए मैंने देख यहाँ पे शिमला मिर्च लिए है बारीक लंबे कटे। प्याज को मैंने गोल में काट लिया है, इसके स्प्रिंकल्स निकाल लिए हैं, रिंग सारे अलग अलग करके रख लिए हैं। टमाटो चेरी टोमेटो मैंने लिया है छोटे वाले, जिसको मैंने गोल गोल इसमें काट के रख लिया है। और मैंने ये चीज़ लिया है अमूल का पिज्ज़ा चीज़, मोज़रेला चीज़ मैंने लिया हुआ है। अब हम स्टफिंग करेंगे। ये हमने लिया तावा, हमें इसको गर्म करना है। और इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। नॉन स्टिक आपका है तो आपको कुछ भी नहीं डालना है। अब हम इस पे बेस रखेंगे पिज्ज़ा का, अब हम इसे स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग करने के लिए अब हम जो हमने सॉस बना के रखा हुआ है उसे हमें इस पे इस तरह से फैलाना है। मसाला पिज्ज़ा है तो थोड़ा सा ज़्यादा स्टफिंग सॉस हमें रखना है इस पे, स्पाइसी बिल्कुल। अच्छी तरह से ये सॉस लग गया, फैल गया है पूरा डो पे। अब हम स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग के लिए हमने इस तरह से प्याज के जो रिंग्स हैं उसको रखने हैं। इस तरह से फैला देना है। स्टफिंग में आप अपनी पसंद के भी वेजिटेबल्स रख सकते हैं, पनीर रख सकते हैं, और भी कोई मशरूम रख सकते हैं। ये हमने अब हम इस पे टोमेटो के पीसेस जो हमने काट के रखे हुए हैं उसको फैला देना है इस तरह से। कैप्सिकम में आप ग्रीन वाली भी, ग्रीन मैंने लिया है, आप रेड भी रख सकते हैं, येलो भी रख सकते हैं। इस तरह से हमने स्टफिंग इसकी करनी है। ये हमने रख दिया। अब ब्लैक पेपर, चीज़,
ये रेडी हो चुका, चीज हमने डाल दिया। अब हम इसको बेक करेंगे। हमने तावा पे बेक किया। आप अगर आपके घर में अगर अवन है तो आप अवन ले सकते हैं। तवा पिज्जा, मसाला तवा पिज्जा भी कह सकते हैं। देखने में काफी डिलीशियस लग रहा है, काफी टेस्टी। अब हम इसे ढक के धीमी आंच पे बेक करेंगे 5 मिनट। 5 मिनट हो चुके हैं, 5 से 10 मिनट। अब हम चेक करेंगे पिज्जा। पिज्जा हमारा बहुत अच्छे से चीज मेल्ट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया हो चुका है। तैयार हो चुका। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। अब पिज्जा तवा मसाला पिज्जा हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने लाइक्स की ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे फेसबुक के पेज जायका वैली पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।